जितेश दुबे जी का निधन हुआ है, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि पूर्ण में अभी सुबह ही होके आया हूँ और बहुत दुखी हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे हम आए हैं तो कुछ कार्य करने के उद्देश्य से, हमें अपना कार्य करके तो जाना सभी को, तो दो मिनट में उनके लिए नमन करता हूँ। पूछिए, आपके कैसे संबंध थे उनके साथ, कितनी फिल्में की आपने? हाँ, जितेश दुबे जी के साथ मैं फिल्में तो नहीं कर पाया, लेकिन पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहे। एक फिल्म उन्होंने मुझे लेके मुहूर्त भी किया था, लेकिन संभवतः वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन बहुत ही अच्छे और नेक इंसान रहे, बहुत उन्होंने हिट हिट फिल्में भी दी है और इस इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत समय भी दिया है। कैसे याद किए जाएंगे निर्माता के तौर पे, अमरीश जी कैसे याद करते हैं? मैं निर्माता के साथ साथ इस परिवार के गार्जियन के स्वरूप में बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। जब से मैं सुना हूँ रात 12:30 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया, मैं खुद परेशान था, कहीं एक प्रोग्राम में था, उसके बाद फिर भागम दौड़ लगी और मैं बहुत दुखी हूँ अंदर आत्मा से। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घर और परिवार को इतनी शक्ति दे कि इस कठिनाइयों को झेल पाए। जितेश दुबे जी कौन कौन फिल्मों का निर्माण किया, बताएं? जितेश दुबे जी ने नौटंकी बाई और बहुत सारी हिट हिट, मुझे याद तो नहीं आ रही, मुन्नी भाई नौटंकी वाली, नौटंकी वाली, ब्रिजवा, बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने दी है और एक दौर के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं। और उसी दौर में मेरी एंट्री हुई सिनेमा में, तो 2015 में आप सब लोग थे सीसा जूह में, कई फिल्मों का उन्होंने एक साथ मुहूर्त भी रखा था, उसमें मैं भी था और एक दो फिल्मों में मैं भी एज ए साइन हुआ था, लेकिन संयोजक की वो सिनेमा नहीं बन पाई, तो मैं कोई नहीं, लेकिन संबंध बड़े अच्छे रहे मेरे जितेश दुबे जी के साथ। सिनेमा के लिए कैसा नुकसान देखते हैं अमरीश जी से? बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि एक घर का गार्जियन और एक मार्गदर्शक चला जाए तो आने वाली पीढ़ी, हम लोग तो थोड़े से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कई बार मैं कई चीज़ों का राय मशवरा उनसे लिया करता था और कई बार हमारा उनका बड़े अच्छे सिनेमा को लेके बातें भी हुआ करती थी। जी बिल्कुल है, नुकसान तो है मेरे जैसे कलाकारों का। पूरी फिल्म फैटर्निटी क्या दुख के इस वक्त में उनके परिवार के साथ खड़ी है, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है, सारे हमारे मीडिया बंधु उनके साथ हैं, सभी लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हर परिवार को एक मजबूती मिले कि इस कठिनाई पल को झेल पाए। थैंक यू। ठीक है। नमस्कार, हम हैं अमरीश सिंह और रोगा लोगन के बता दी कि आज जैसे कि प्रांगण में बैठल बानी, बहुत खुशी के बात है। साथ ही साथ मेरी बहुत सारी आने वाली फिल्में हैं, जैसे कि अभी जल्द ही अमरपाली जी के साथ आने वाली राजमहल, अंजना सिंह जी के साथ जय माँ बिंदुवासिनी, अभी एक फिल्मची टीवी पर बड़ी टीआरपी फिल्म रही लव मैरिज जो कि अक्षरा सिंह जी के साथ, इत्यादि मैंने अभी होम प्रोडक्शन खुद 3-4 फिल्में बनाई है, बलम केसरिया, दुल्हनिया लंदन वाली, बहुत सारी फिल्में अभी साइन की है। 25 तारीख से मैं इकबाल बख्श जी के साथ कर रहा हूँ कुछ फिल्में, उसके बाद धीरज ठाकुर जी के साथ कर रहा हूँ, इसके बाद राजू चौहान जी के साथ कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में आगामी जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ करने की तैयारी में, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अनिल काबरा जी की कई फिल्में, अबुआ, दर्दिया, बालम, चलचीले, जिंदगी यही है, तो बहुत सारी फिल्में जो रेडी पड़ी हुई है बैक टू बैक आप सभी के समक्ष दिखेगी और आप सभी के स्वरूप टीवी चैनल और यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। जी थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।